साहिबगंज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में होटल अभिनव परिसर में प्रथम महिला प्रधानमंत्री की जयंती मनाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर केक काटा और कहा कि इंदिरा गांधी की जयंती पर ही महीनों से आंदोलनरत देश के किसानों की जीत हुई है। साहिबगंज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुकूल मिश्रा के नेतृत्व में होटल अभिनव परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई, जहां कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर केक काटा। जिला अध्यक्ष अनुकूल मिश्रा ने कहा कि इंदिरा को आयरन लेडी यूं ही नहीं कहा जाता है, विश्व की राजनीति में महिला शक्ति में उनका नाम सबसे पहले आता है। भारत के चांद पर पहुंचने या भारत का परमाणु शक्ति बनने में उनके नेतृत्व की अहम भूमिका रही। उग्रवाद को उखाड़ फेंकने और पाकिस्तान के टुकड़े कर एक नया देश बांग्लादेश बना देने में उनकी भूमिका उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और राष्ट्रभक्ति को दर्शाता है। जब तक वो जिंदा रही, कोई सांप्रदायिक शक्तियां कभी उभर नहीं पाई। उन्होंने अपनी जान देकर भी इस देश के मान सम्मान को ऊंचा रखा। आज के दिन मैंने किसान काला किसान बिल वापस लेने का घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये उस शख्सियत इंदिरा जी ने ये साबित कर दिया कि उनमें कितनी शक्ति है कि आज भी ये इतना बड़ा काम, ऐतिहासिक काम इंदिरा जी का ही जन्मदिन पर हुआ। हम ऐसे अवसर पर गुरु नानक की जयंती भी है, मैं उनका भी नाम लेना चाहता हूँ हृदय से, उनको भी उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ गुरु के प्रति, कि गुरु का भी वही सिद्धांत था जो इंदिरा जी का था। और आज उन्होंने साबित कर दिया कि उनका एक एक बूंद इस देश के बुलंदी के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए काम आएगा। आज किसान बिल वापस हो करके ये प्रूफ कर दिया कि वो जहाँ भी हैं वहाँ देश के लिए आज भी वो काम कर रही हैं। इसलिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और आज जन्मदिन मना के खुशी हो रही है। पूरे जिले में अभी तक 45 जगहों पर कार्यक्रम तय हुआ है और ये जिला का कार्यक्रम ये अंतिम है, इसको हम लोग समारोह के रूप में मना रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि इंदिरा की जयंती पर ही महीनों से आंदोलनरत देश के किसानों की जीत हुई है। इंदिरा ने हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है और आज उनकी जयंती पर किसानों की जीत लोकतंत्र की जीत है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।